बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं हूं नज़ीर अब्बास और आप देख रहे हैं रियल्टर ऑनलाइन। जैसे कि आप जानते हैं कि रियल्टर ऑनलाइन पर मैं आपको प्रॉपर्टीज के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूं और मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास 2 बेड और 3 बेड के अपार्टमेंट आसान किस्तों पर अवेलेबल है। कराची में बहुत सारे ऐसे मकाम हैं जिनके ऊपर आप ये आसान किस्तों में बुक करवा सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में मैंने आपको 2 प्रोजेक्ट्स का बताना है जिसके ऊपर अगले हफ्ते और इतवार वाले दिन 2 दिन अगर आप बुकिंग कराते हैं तो आपको भरपूर डिस्काउंट इसके ऊपर मिल सकता है। वो 2 प्रोजेक्ट हमारे, एक है बुर्जुल जिना जो कि मेन जिना एवेन्यू पे वाके है, PIA एम्प्लाइज हाउसिंग सोसाइटी के बिल्कुल गेट के ऊपर ये बनाया जा रहा है, जहां पर 2 बेड और 3 बेड के अपार्टमेंट 4 साल की आसान किस्तों में आप ले सकते हैं। और दूसरा प्रोजेक्ट है अमान गोल्फ व्यू जो कि गुलशन रूमी के साथ बन रहा है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें अगर आप अगले हफ्ते वाले और इतवार वाले दिन अगर आते हैं और यहाँ बुक करवाते हैं तो आपको एक हैवी डिस्काउंट हम इंशाल्लाह ताला लेके देंगे। आपको पता है कि दिसंबर है, साल आखिरी 2021 जा रहा है, तो आखिर में ये कंपनी ने अनाउंसमेंट की है कि अगर हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन कोई बुकिंग कराता है, यहाँ पे एक हैवी प्रोग्राम रखा गया है डिस्काउंट के लिए। अगर आप इस दिन में बुकिंग कराते हैं इतवार और हफ्ते वाले दिन बुर्जुल जिना पे और अमान गोल्फ रेजिडेंसी में, तो आपको इंशाल्लाह ताला अच्छा डिस्काउंट यहाँ पे करा के देंगे। इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि अगर आप कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, कोई आपके पास छोटी सी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं कि ऐसे नहीं कि अभी आप फॉरन गए तो आपने वहां पे घर बनाने शुरू कर दिया। मुस्तकबिल के लिए, आने वाले 4 से 5 सालों के लिए अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं और अगर आपके पास सिर्फ 6 लाख रुपए भी है या तक 3 लाख रुपए भी है तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला आपको सेफ सिक्योर और मुनाफा बख्श इन्वेस्टमेंट वाली जगह पे प्लॉट लेके देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। रियल्टर ऑनलाइन के चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको डेली वॉइस पे मिलती रहती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।